9.9 कह क्या रहा है, लिखा है एन ऑब्जेक्ट, हम पढ़ रहे हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम दिस लेंस। क्या बता रहा है, कह रहा है कान ऑब्जेक्ट की साइज है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम H1 मान लेते हैं। सबसे पहले भाई गिवन के बारे में बात करते हैं, H1 दिया है आपका, अब H1 प्लस में लिखेंगे हम भाई, हम मान लेते हैं सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आप कहेंगे पहले से मुसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऐसा नहीं मानेंगे, अब सीधा मानते हैं, ठीक है। और ये 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, यानी U है 14 सेंटीमीटर, प्लस है माइनस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उस केस में जो पहले वाला न्यूमेरिकल था वो अलग था, ठीक है। अब कह रहे फोकल लेंथ दी हुई है इसकी 21 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर प्लस है माइनस 21 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज, यानी आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इमेज बनी कहां, बनी कैसी और क्या क्या लफड़ा है, ठीक है। तो पहले तो आप लेंस फॉर्मूला लगाइए, यानी आपको पहले वी निकालना है, इसकी H2 भी निकालना पड़ेगा, इमेज की हाइट भी निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है, तो 1/f हो गया -21, 1/v मालूम नहीं, -1/u है आपका माइनस का 14, तो -1/21 प्लस 1/14 इज इक्वल टू 1/v, तो 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 42, 42, तो 21 × 42 14 × 42, तो आपका हो जाएगा 1/42 बराबर 1/v, v बराबर 42 सेंटीमीटर, मतलब 42 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनेगी। हैं, गड़बड़ कर गए क्या, एक मिनट, सॉरी, अरे रुके, ये निगेटिव आएगा यहाँ पर, ये भी निगेटिव आएगा, ये माइनस का 5 जाएगा, गलत कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर आप देखेंगे कैसे उसको, तो v इज इक्वल टू आएगा -42/5 8.4 सेंटीमीटर, मतलब -8.4 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि इमेज उसी साइड बनने वाली है। और सेम देखिए लेंस में खास बात होती है, लेंस में एक तो इमेज अगर उसी तरह बनती है तो वर्चुअल, यानी v इज वर्चुअल, यानी इमेज v मतलब इमेज, v ने कहिए इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है, सीधी बनेगी। अब सीधी बनेगी तो हमको नहीं मालूम, लेकिन सीधी बनेगी हम लिख दिया फिलहाल। पहले हाइट ऑफ द इमेज निकालने की कोशिश करते हैं, तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए जो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h क्या होता है, m बराबर h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ये था। तो h2 पता नहीं है, h1 आपका है 3 और v कितना है माइनस का 8.4 और यू हो जाता है कभी कभी, तो ये वैल्यू आई है आपकी 1.8 सेंटीमीटर, पूरा 1.8 सेंटीमीटर आया है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इरेक्ट, यानी इरेक्ट आएगी, हाइट कम हो गई है यानी डिमिनिश्ड भी हो गई है और उसी साइज बनेगी यानी वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इसमें एक पार्ट है आपका 9.9 में कि व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, अगर लेंस से अवे कर दिया जाए, अवे मतलब दूर कर दिया जाए, तो अवे कर देंगे तो होगा क्या, अवे अगर करेंगे तो वर्चुअल इमेज क्या होगी, फोकस तरफ जाएगी, ठीक है, नहीं समझे, और धीरे धीरे क्या होगी, साइज होगा लेकिन कहां, कब तक जाएगी, फोकस तक जा सकती है, फोकस से बियॉन्ड नहीं जाएगी, ठीक है, साइज 0 हो जाए भले लेकिन वो फोकस से दूर नहीं जाएगी। भाई जो इमेज बनाने का तरीका होता है वो तरीका होता ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, वो गंदा डायग्राम बनाते हैं समझ लीजिएगा, एक लाइट गई वो दूर हट गई
और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, इसको पीछे बढ़ाया तो यहां इमेज बनती है ना। तो कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट दूर आप कर दें तो ये दूर होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, लेकिन फोकस से दूर नहीं जाएगी। भाई फोकस में अगर जीरो हो जाएगी साइज, उससे दूर क्या जाएगी वो, ठीक है। तो ये पार्ट उसमें रह गया था, तो ये आपका 9.9 कंप्लीट हुआ, ठीक है।